हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा डीसी जनरेटर जो टॉपिक चल रहा है उसके अंदर आगे हम श्रेणी जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर, वो तो सब प्रकार के कर लिए। उसके आगे हम आप करेंगे आज डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर और कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। कैसे ये काम करते हैं, इसके अंदर फ्लक्स है वो कैसे उत्पन्न होता है, वो एक दूसरे के सहायक होता है, जनरेटर के अंदर एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है। तो चलो इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो इसकी डेफिनेशन में लिख रहा हूं, तो शुरुआत करते हैं हम यहां से। इस जनरेटर में शंट फील्ड और सीरीज फील्ड द्वारा उत्पन्न फ्लक्स एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर के अंदर क्या है कि इस जनरेटर में शंट फील्ड और सीरीज फील्ड के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। इसमें इसकी विशेषताएं देखते हैं। विशेषताएं हैं, इसमें परिणामी फ्लक्स जिसको फाई से डिनोट करते हैं, संट फ्लक्स, और सीरीज फ्लक्स के अंतर के बराबर होता है, क्या है इसमें? इसमें परिणामी फ्लक्स संट फ्लक्स और सीरीज फ्लक्स के अंतर के बराबर होते हैं। अब इसके देखते हैं उपयोग। इसका उपयोग किया जाता है आर्क वेल्डिंग में। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का उपयोग किया जाता है क्योंकि उसके अंदर जो आर्क वेल्डिंग की जाती है तो उसके अंदर जो जोब और इलेक्ट्रोड के बीच में, माना यदि पहले 100 वोल्टेज है तो जब हम इसमें आर्क वेल्डिंग करते हैं तो वो वोल्टेज घटकर 40 या 50% रह जाता है, यानी कि उसका वोल्टेज घट जाता है। तो आर्क वेल्डिंग को निरंतर बनाए रखने के लिए विद्युत धारा प्रदान करता है। हमने पढ़ा है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, इसके अंदर शंट फील्ड और सीरीज फील्ड के द्वारा जो उत्पन्न फ्लक्स है वो एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। इसमें परिणामी फ्लक्स शंट और सीरीज फ्लक्स के अंतर के बराबर होता है। इसका उपयोग आर्क वेल्डिंग में किया जाता है। आर्क वेल्डिंग के अंदर निरंतर विद्युत धारा को बनाए रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब हम दूसरा करेंगे कम्युलेटिव
कंपाउंड जनित्र। और इस जनित्र के अंदर एक और है, इसकी वो सूत्र है, वो मैं आपको अभी लिख के बताता हूं। इसमें फ्लक्स का मान है, फ्लक्स बराबर संट फील्ड फ्लक्स माइनस सीरीज फील्ड। ये भी याद रखना भाई, कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। नंबर दो है क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनित्र, कंपाउंड जनरेटर। इसके अंदर क्या हुआ, इस जनित्र में संट फील्ड और संट फील्ड और सीरीज फील्ड के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स एक दूसरे के सहायक होते हैं। दोनों एक ही दिशा में कार्यरत होते हैं, दोनों एक ही दिशा में कार्यरत होते हैं। इसके अंदर विशेषताएं लिखो इसकी, परिणामी फ्लक्स संट फ्लक्स और सीरीज फ्लक्स फ्लक्स के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है, यानी कि फ्लक्स बराबर संट फ्लक्स और सीरीज फ्लक्स। कम्युलेटिव के अंदर क्या होगा, एक दूसरे के सहायक होते हैं और डिफरेंशियल के अंदर एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। इसका लिखेंगे उपयोग, इसमें उपयोग तो किया ही नहीं जाता है, इसका है भी नहीं। आगे देखेंगे हम कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग के आधार पर, के आधार पर जनरेटर। ये जो हमने पहले किया है ये सीरीज संट और कंपाउंड के आधार पे ही चल रहे हैं, जिसके अंदर पहले हमने किए थे, उसके बाद में डिफरेंशियल और क्यूमुलेटिव कंपाउंड है। अब हम करेंगे कंपाउंडिंग के आधार पर जनित्र निम्न प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर एक हमारा ओवर कंपाउंड जनरेटर, नंबर दो रहेगा हमारा लेवल या
फ्लैट कंपाउंड जनित्र, और नंबर तीन रहेगा हमारा अंडर कंपाउंड जनित्र। ये है कंपाउंडिंग के आधार पर जनित्र। तो इनकी परिभाषा अब हम देखेंगे। ओवर कंपाउंड जनित्र क्या काम करता है, कहाँ किया जाता है। तो इसमें सबसे पहला हम करेंगे ओवर कंपाउंड जनरेटर। ओवर कंपाउंड जनरेटर के अंदर जब लोड का मान बढ़ाया जाता है तो इसके अंदर टर्मिनल वोल्टेज का मान बढ़ जाता है। क्या होता है ओवर कंपाउंड के अंदर, जब लोड का मान बढ़ाया जाता है तो टर्मिनल वोल्टेज का मान बढ़ जाता है। जब लोड का मान बढ़ाया जाता है तो टर्मिनल वोल्टेज का मान बढ़ जाता है, ओवर कंपाउंड जनित्र कहलाता है। ओवर कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। इसमें सीरीज वाइंडिंग को बड़ा बनाया जाता है या बड़ी बनाया जाता है, बड़ा बनाया जाता है या रखा जाता है। ओवर कंपाउंड जनित्र के अंदर जब लोड का मान बढ़ाया जाता है तो टर्मिनल वोल्टेज का मान भी बढ़ जाता है, वो ओवर कंपाउंड जनित्र कहलाता है। इसमें सीरीज वाइंडिंग का मान है वो बड़ा रखा जाता है। तो इसमें लिखेंगे हम उपयोग। ओवर कंपाउंड जनित्र का प्रयोग किया जाता है स्ट्रीट लाइट और रेलवे आदि में। नंबर दो करेंगे हम फ्लैट कंपाउंड जनरेटर। इस जनरेटर में जब लोड का मान बढ़ाया जाता है, इस जनरेटर में लोड का मान या लोड को बढ़ाया जाता है तो टर्मिनल वोल्टेज स्थिर रहता है, स्थिर रहता है। इसमें सीरीज वाइंडिंग को छोटा रखा जाता है, इसमें सीरीज वाइंडिंग को छोटा रखा जाता है। उपयोग लेथ मशीन, उपयोग इसका किया जाता है लेथ मशीन में। ओवर कंपाउंड जनित्र, इसमें टर्मिनल का वोल्टेज अब बढ़ जाता है। फ्लैट के अंदर इसमें टर्मिनल वोल्टेज का मान स्थिर रहता है क्योंकि इसमें सीरीज वाइंडिंग को छोटा रखा जाता है। किससे? ओवर कंपाउंड जनित्र से इसकी सीरीज वाइंडिंग को छोटा रखा जाता है। नंबर तीन है हमारा अंडर कंपाउंड, अंडर कंपाउंड जनरेटर। इसमें
लोड का मान बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज का मान घट जाता है क्योंकि इसमें सीरीज वाइंडिंग को ओवर कंपाउंड जनित्र और फ्लैट कंपाउंड जनित्र से छोटा रखा जाता है। क्यों क्या इसमें कि इसके अंदर सीरीज वाइंडिंग को ओवर कंपाउंड और फ्लैट कंपाउंड वाइंडिंग की तुलना में सीरीज वाइंडिंग को छोटा रखा जाता है, इसका उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रो प्लेटिंग और लाइटिंग में। तो कंपाउंडिंग के आधार पर तीन प्रकार के जनित्र हमने किए, जिसके अंदर पहला किया हमने ओवर कंपाउंड जनित्र, जिसमें टर्मिनल वोल्टेज का मान बढ़ जाता है। दो नंबर पे हमने किया फ्लैट कंपाउंड, जिसके अंदर टर्मिनल वोल्टेज का मान स्थिर रहता है क्योंकि इसके अंदर सीरीज वाइंडिंग है वो कंपाउंड ओवर कंपाउंड की तुलना में छोटी रखी जाती है। नंबर तीन पे किया है हमने अंडर कंपाउंड जनित्र, इसके अंदर लोड का मान बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज का मान घट जाता है क्योंकि इसके अंदर जो सीरीज वाइंडिंग है वो ओवर और फ्लैट कंपाउंड जनित्र की तुलना में छोटी रखी जाती है, और इसका उपयोग हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग, लाइटिंग आदि के अंदर किया जाता है। तो आज हमने डिफरेंशियल और कंपाउंड दो प्रकार के जनित्र के बारे में पढ़ा है, और उसके आगे कंपाउंडिंग के आधार पर ओवर, फ्लैट और अंडर तीन प्रकार के जनित्र के बारे में पढ़ा है। थैंक यू, धन्यवाद।